सिंपली भी यहाँ पे अपने को जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है, एफ ब्लॉक के अंदर हम जानते हैं लॉस एंजलिस यानी कि लेंथेनर्ड से रेक्टिनॉइड आते हैं सारे के सारे, ठीक है। तो लेंथेनम वाली पूरी सीरीज और एक्टिनॉइड वाली पूरी की पूरी सीरीज आती है, उसमें से हमने जिम्मेदारी उठाई अपने कंधों पे लेंथेनॉइड वाली सीरीज को पढ़ने की, यानी कि लेंथेनम के बाद क्या होता है सर, लेंथेनॉइड्स, इनको सबको पढ़ना है। ट्रिक क्या थी इसकी, सीने पर नदिया प्रेम की समाई यूं गदगद तब दिल होया अरेतम ये ब्लू, राइट। तो उसी के अंदर लास्ट में कहता है लुटेटियम एलियो 58 से 71 जो जो रहेंगे अपने पहले वाले, और 90 से 103 हो जाएंगे सारे सारे, ठीक है। 14 एलिमेंट्स होंगे, 90 को इंक्लूड कर लो, 90 को इंक्लूड करके चलोगे तो ये हो जाएगा। तो 57 वाला कौन होगा, लैंथेनम, और 58 से फिर हमें ऑफिशियली एफ ब्लॉक के अंदर मिलने शुरू हो जाते हैं। तो 58 से 71 रटे हुए मैंने अच्छे से, आप लोगों को रटना अच्छे से, वही 58 से 71 और 90 से 103 हमारे हो जाएंगे ये सारे के सारे। और 89 वाला कौन हो जाएगा, एक्टिनियम, और 57 वाला कौन आएगा अपना लैंथेनम, देख लेते हैं एक बार जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी। ये देखो ये आ गया 57 पे यहाँ पे, ठीक है भाई मिटा देते हैं एक बार। और ये देखो है ना 57 पे लेंथ है, फिर 58 से 71 हो गया, ठीक है भाई, और फिर यहाँ पे 90 से 103, 58 से 71 90 से 103, और ये आपके 57 और 89 हो जाएंगे, इनसे एक एक कम, लेंथेनम और एक्टिनियम। आपको इनका लॉजिक समझाया था, लेंथेनम को ऑफिशियली इसके अंदर होना चाहिए था इस सीरीज के साथ, और ये लुटेटियम जो है इसके अंदर डी में इलेक्ट्रॉन है भी, ऑलरेडी दिख भी रहा है अपने को, 4 F14 पूरे हो गए हैं, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर डी में आ गया है, और इसको यहाँ पे लुटेटियम को यहाँ पे होना चाहिए था, मतलब 56 के बाद 57 नीचे होना चाहिए था, बट लेकिन क्या हुआ, एक्सेप्शनल कॉन्फिगरेशन होने की वजह से लेंथेनम में D1 आ गया, और F में क्या आ गया, 4F में 0, और यहाँ पे क्या हो गया D1 और 4F में, यहाँ पे भी सॉरी यहाँ पे होगा D1 और यहाँ पे 5F में क्या होगा 0, तो दोनों के दोनों D में ही रख दिए, और फिर इनके अगले एलिमेंट से यहाँ पे F ब्लॉक को शुरू करा था। तो ये हमने डिस्कशन ऑलरेडी कर रखा है, राइट। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर के अंदर, क्योंकि हम लोग किस पे फोकस करने वाले हैं, साइजेस के ऊपर। अब एक बात मैंने आपको कल क्लियर बता दी थी कि जो साइज का ऑर्डर रहने वाला है ना, उसके अंदर हम लोग क्या ध्यान देंगे कि भाई आयन का साइज दे रखा है यहाँ पे, यहाँ पे मेटल के रेडियस की बात नहीं इस जो ग्राफ के अंदर करी हुई है, और वेरिएशन भी देखो यहाँ पे 106 और अभी कितना है 86-85 के आसपास, उसके अंदर ही वेरिएशन हो रही है बस यहाँ पे, क्लियर है। तो ये चीज हम देखते हुए आगे कैरी ऑन करेंगे और इसमें आगे बढ़ते हैं, फिर एक सेकंड चार्जिंग पे लगा दें बस। तो अब ये जो टॉपिक दिया है उसको लाइन टू लाइन, क्योंकि एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन पूरी अपने पास होनी चाहिए हर एक वर्ड की, इसको लाइन टू लाइन डिस्कस करते हैं, और यहाँ पे चीजें आसान ही दे रखी है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। तो देखते हैं जरा क्या क्या दिया हुआ है। देखो ओवरऑल डिक्रीज होना है एटम में यानी कि रेडियम में, लेंथेनम से लुटेटियम। तो लेंथेनम था पराया, पर क्योंकि भाई ये मिलता जुलता था इसलिए कहा कि तू भी घर में आ जा, बाल्टी में आ जा, शामिल कर ले इसको भी। तो लेंथेनम था डी ब्लॉक का, उठा के नीचे ले आए, और अब टोटल एलिमेंट कितने हो चुके हैं, 15 हो चुके हैं, क्योंकि 14 तो एफ ब्लॉक के हैं ही, और एक लेंथेनम भी आ गया ऊपर से निकल के नीचे, इसलिए कितने हो गए, 15 हो गए सारे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें, लेंथेनम से लेके लुटेटियम तक ऑब्वियसली साइज डिक्रीज होना ही है, क्योंकि लेफ्ट राइट साइज क्या होता है, डिक्रीज, है ना, हमेशा ऐसे होता है, सेम शेल में इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे और न्यूक्लियस के अंदर चार्ज बढ़ता जाएगा और इलेक्ट्रोलाइट जो साइज डिक्रीज होगा। और यहाँ पे क्या हुआ, डिग्रीज लेंथेनम से कहां तक, एलयू तक, एलए से लेके एलयू तक यहाँ पे डिक्रीज हो गया साइज। ये जो डिक्रीज है ना, ये एक यूनिक फीचर है इन केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनॉइड के अंदर, मतलब डिक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे क्या बात करेंगे हम लोग, इट हैज फार रीचिंग थ्योरेटिकल लग रहा होगा, एसएसटी वाली फील आएगी, इट हैज फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस इन द केमिस्ट्री ऑफ द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज ऑफ द एलिमेंट्स, मतलब कि थर्ड ट्रांजिशन सीरीज ऑफ द एलिमेंट। हम बात किसके कर रहे हैं, हम तो भाई एफ ब्लॉक की बात कर रहे थे, उसके अंदर भी लेंथेनॉइड की बात कर रहे थे, ये क्या कह रहे हैं कि लेंथेनॉइड का फर्क पड़ेगा थर्ड ट्रांजिशन सीरीज यानी कि थर्ड मतलब पहली वाली 5D सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होते हैं, डी ब्लॉक वाले, और एफ ब्लॉक वाले क्या होते हैं, इनर ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन की तीसरी सीरीज, ट्रांजिशन की पहली सीरीज कौन सी है, 3D सीरीज, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, 5D सीरीज, सेकंड ईयर लाएंगे AC, तो वो 6D सीरीज हो जाएगी अपनी। तो लोग कह रहे हैं कि भाई ये जो अपने पास जो ये मतलब लेंथेनम से लेके यहां तक दे रखे हैं जो LU तक,
इनका जो है ना क्या होगा, इनका फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंस है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की केमिस्ट्री में, क्योंकि थर्ड ट्रांजिशन मतलब 5D। देखो 3D से हम यहाँ पे गए थे, साइज बड़ा था, सेकंड से ईयर तक गए थे साइज बड़ा था, फिर 4D से 5D में जाने में साइज कम। हाँ, और वो उसका रीजन क्या था, नाइट्रेट प्रोटेक्शन, बिल्कुल है ना, नाइट्रेट प्रोटेक्शन। एक ही वर्ड आप कह सकते हो, और अगर एक्सप्लेन करो तो क्या हो जाएगा, एफ के इलेक्ट्रॉन्स शील्डिंग नहीं कर पाते, वेरी पुअर शील्डिंग होती है। तो इन लैंथेनम का असर इनके ऊपर पड़ा, किसके ऊपर, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की केमिस्ट्री के ऊपर पड़ा, फार रीचिंग कंसिक्वेंस इन द केमिस्ट्री ऑफ द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो यहां तक देखो, हमने लैंथेनम का मतलब देखा, पढ़ना शुरू किया था कि आयनिक और एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा लैंथेनम से कहां तक, LU यानी कि ल्यूटेरियम तक, इसको बोलते हैं लैंथेनॉइड प्रोडक्शन। एक यूनिक फीचर है इन द केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनॉइड, तो लैंथेनॉइड की केमिस्ट्री में यूनिक फीचर है, लेकिन इसका फर्क कहां पड़ रहा है, 5D वालों में, यानी कि थर्ड सीरीज के अंदर। यहां तक दो लाइन क्लियर है, दो लाइन पढ़ी अब तक, आगे नेक्स्ट क्या दिया इसके अंदर, कलर चेंज कर लेते हैं ब्लू। द डिक्रीज इन द एटॉमिक रेडियाई डेराइव फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स, मतलब कि जो एटम के रेडियस में डिक्रीज हो रहा है ना, इज नॉट क्वाइट रेगुलर, मतलब एटम के रेडियस का डिक्रीज रेगुलर नहीं है। आपको दिख क्या रहा है, आपको दिख रहा है ये जो डिक्रीज रेगुलर आ रहा है ना, ये किस में आ रहा है, ये है आपके +3 वाले कैटायंस, टेबल दे रखी है पड़ोस में, उसमें आपको डिग्रीज रेगुलर दिख रहा है, रेगुलर डिग्रीज होते जा रहे हैं, हल्का फुल्का सा ग्राफ जिगजैग आ रहा है, वरना बिल्कुल स्ट्रेट सा ग्राफ बन रहा। तो लेकिन ये जो डिग्रीज है ये किसमें है, +3 वाले कैटायंस में, और ये टेक्स्ट में क्या बात कर रहे हैं, एटॉमिक रेडियाई की, क्या उन्होंने बात करी कैटायंस की, नहीं बात करी ना, तो कह रहे हैं कि जो डिक्रीज होता है एटॉमिक रेडियाई में वो रेगुलर नहीं होता, जैसा कि रेगुलर है +3 आयंस में। तो इन्होंने साफ साफ कह दिया, देखो भाई अगर हम मेटल के +3 आयंस की बात करें, उनमें साइज डिक्रीज 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 होता जा रहा है लेफ्ट टू राइट, लेकिन अगर हम मेटल की बात करें, मेटल था उसमें से एक एटम को निकाल लिया, उसका रेडियस चेक करा, उसके अंदर डिक्रीज नहीं होता, जिगजैग सा हल्का सा पैटर्न आएगा। तो कंक्लूड कर देता हूं इस लाइन को कि मेटल का जो रेडियस है वो जिगजैग पैटर्न में डिक्रीज होगा, और लेकिन जो +3 आयन का जो वो है साइज, वो कंटिन्यूसली रेगुलर पैटर्न में डिक्रीज हो रहा है। फर्क समझ में आ गया भाई, फिर क्लियर है, आई विश यू। दो ही पॉइंट थे हमें, एटम के रेडियस को और M+3 आयन के रेडियस को कंपेयर करना था, M+3 में रेगुलर डिक्रीज, मेटल के अंदर रेगुलर डिक्रीज नहीं है, पर डिक्रीज जरूर होगा, क्लियर। चलो भाई अब आगे चलते हैं इसके अंदर। ये जो कॉन्ट्रेक्शन है, ठीक है, ये ऑब्वियसली क्या है कि सिमिलर टू दैट ऑब्जर्व इन द ऑर्डिनरी ट्रांजिशन, मतलब डी ब्लॉक के अंदर जो फर्क आता था कि इम्परफेक्ट शील्डिंग हो रही है वन इलेक्ट्रॉन बाय द अनदर। यहां से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, शील्डिंग वाले केस में हम लोग क्या डिस्कस करते थे कि एक तो होती है कि भाई डी के इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड नहीं कर पा रहे, एक शील्डिंग की ये बात करते हैं, और इन ट्रांजिशन और इन ट्रांजिशन एलिमेंट में हम क्या बात करते हैं कि डी के इलेक्ट्रॉन्स आपस में भी शील्डिंग नहीं करते एक दूसरे की, ठीक है। याद करो जब हम लोग डी ब्लॉक के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ रहे थे, आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी 3D सीरीज की लेफ्ट टू राइट डिक्रीज, सॉरी इंक्रीज तो हुई पर ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई थी, क्यों, इसका क्या रीजन था, आयनाइजेशन साइज जो होता है एटम का वो डिक्रीज तो हुआ पर ज्यादा डिक्रीज नहीं हुआ, जो हमने वहां रीजन देखा था ना इसका, कि डी के इलेक्ट्रॉन से, मैं आपको सिक्योरिटी वो बॉडी गार्ड वाला एग्जांपल दिया था कि मैंने हल्के से बॉडी गार्ड रख ली, तो वहां आपको एग्जांपल दिया था डी के इलेक्ट्रॉन्स का, सेम ही एग्जांपल यहाँ काम करेगा, सेम ही लॉजिक एग्जांपल नहीं लॉजिक यहाँ पे काम करेगा। यहाँ पे भी क्या होता है कि लेफ्ट टू राइट, पूरा क्लियर कर देता हूँ, सारा हो चुका है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज तो हो रहा है पर ज्यादा डिक्रीज नहीं हो रहा, सेम रीजन है, वहां पे डी के इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे वाले डी की शील्डिंग अच्छे से नहीं कर पाते थे, और क्या हो रहा था, शील्डिंग ना अच्छी करने की वजह से क्या हो रहा था, अच्छा एक लॉजिक और था उसके अंदर, शील्डिंग अच्छी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर भी डी के इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे थे, पहले 1D फिर 2D फिर 3D फिर 4D 5 10 ऐसे करके 10 हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो है क्या कर रहे थे, बाहर के इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर रहे थे किससे, न्यूक्लियस के चार्ज से, इनकी पोर शील्डिंग होती है, लेकिन फिर भी डी, देखो स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकल 3D सीरीज के जो एलिमेंट है उनके अंदर स्कैंडियम से लेके जिंक तक डी में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं और वो शील्डिंग करते जाएंगे, है ना। बेशक डी की शील्डिंग क्या होती है, वेरी पुअर, बट लेकिन फिर भी ये जो इलेक्ट्रॉन्स है डी वाले ये क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ शील्डिंग तो देते ही है,
अब स्कैंडियम में एक ही डी था, कम शील्डिंग करेगा। टाइटेनियम में दो डी थे, थोड़ी सी हल्की सी बेटर शील्डिंग करेंगे, बेकार है लेकिन दो मिलके कर तो देंगे शील्डिंग। ऐसे करते करते लेफ्ट तक आते आते डी काफी ज्यादा भर चुका था और वो शील्डिंग कर रहे थे, तो वही कंसेप्ट यहाँ पे काम करता है। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ढंग से पढ़ना देते। तो क्या हुआ, हम लोग थे लेफ्ट में, लेंथेनॉइड्स के अंदर भी और 3D सीरीज दोनों केस में। लेंथेनॉइड में कौन किसकी शील्डिंग देखेंगे हम, 4F की, 4F के द्वारा शील्डिंग, और 3D के अंदर किसकी द्वारा देखेंगे हम, 3D के द्वारा शील्डिंग देखेंगे। ठीक है, चलो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद यहाँ पे क्या आएगा 4F, यहाँ पे क्या आएंगे आपके S के इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो क्या हो रहा था, जब हम स्टार्टिंग में मतलब सेकंड ईयर लाएंगे ऐसी, उसमें स्कैंडियम वाले जगह पे मतलब लेफ्ट में है, तो वहां पे एक ही डी इलेक्ट्रॉन है, शील्डिंग करेगा। फिर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, ऐसे सीने पर नदियां प्रेम के समय आगे बढ़ते जाएंगे, तो क्या होगा, एफ में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं और डी के अंदर भी इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। इनकी शील्डिंग पुअर होती है लेकिन फिर भी शील्डिंग तो करते जाएंगे। अब अगर शील्डिंग करेंगे मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो अंदर अब न्यूक्लियस खींचना चाह रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज्यादा होते जा रहे हैं और न्यूक्लियस एस के इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहता है, खींचना चाहता है, पर डी भी साथ ही साथ बढ़ते जा रहे हैं। अब डी बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, तो डी क्या करेंगे, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन खींच तो रहा है पर डी उसको उतना ज्यादा खींचने नहीं देंगे। ठीक है, सेम केस यहाँ पे होगा, 4F के इलेक्ट्रॉन होंगे अंदर, बाहर क्या होंगे, बाहर होंगे 6S के इलेक्ट्रॉन दो, तो न्यूक्लियस जो है वो 6S के इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है और 4F के इलेक्ट्रॉन ग्रेजुअली एक दो एक दो एक दो करके बढ़ते जा रहे हैं, और फिर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो सही क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं, खींचेगा लेकिन उतने पावर से खींच नहीं पाएगा। इस वजह से क्या हुआ था, लेफ्ट टू राइट क्या हुआ था, यहाँ पे साइज में डिक्रीज तो आया लेकिन ज्यादा डिक्रीज नहीं आया, बिकॉज एफ के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले गए, उन्होंने कुछ ना कुछ शील्डिंग तो करी ही होगी। चलो यहाँ तक क्लियर है सबको भाई, तो देखो दो तीन लाइनें बताने में पूरी मेहनत लगी लेकिन स्टिल हमारा काम यहाँ पे चल गया। अब भी किसी को दिक्कत बताओ भी, तो ये देखो, दिस कॉन्ट्रैक्शन इज ऑफ कोर्स सिमिलर टू दैट ऑब्जर्व्ड इन द ऑर्डिनरी डी सीरीज, है ना, एंड इज एट्रीब्यूटेड टू द सेम कॉज, वही कारण जैसे इम्परफेक्ट शील्डिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन बाय अनदर इन द सेम सेक्शन, ये रीजन में हमने थोड़ा और उसको डिटेल में देख लिया। हाउएवर शील्डिंग बाय वन ऑफ 4F, वन 4F इलेक्ट्रॉन बाय अनदर, मतलब एक 4F का दूसरे 4F की जो शील्डिंग करता है वो कम होगी, किससे कम होगी, जो एक डी दूसरे डी की करता है, तो डी की शील्डिंग, डी डी शील्डिंग एक तरह से कह सकते हैं, वो उससे कम एफ की शील्डिंग होगी, और इससे क्या होगा, न्यूक्लियस में जब चार्ज बढ़ता जाएगा तो एफ उतना अच्छे शील्ड नहीं करेगा, तो ये सारे रीजन है। आगे इसके अंदर क्या है, यहाँ पे फिर देर इज फेयरली रेगुलर डिक्रीज इन द साइज विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, यहाँ पे फिर भी रेगुलर से डिक्रीज हो रहा है, पर बिल्कुल रेगुलर डिक्रीज किसके अंदर आ रहा है, +3 कैटायंस के अंदर, है ना, और जो आप सिर्फ मेटल की बात करोगे, एटॉमिक रेडियस की बात करोगे, तो उसमें उतना रेगुलर डिक्रीज नहीं आता। तो यहाँ तक जो है कंप्लीट हो गया अपना, काफी कुछ बातें इन्होंने दी है, मिलती जुलती थी पिछली बातों से, पर इस पूरे को हम लोग चार पॉइंट में कंक्लूड कर सकते हैं। पहला, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किन में होगी, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का फर्क किन पे पड़ेगा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किन में होगी भाई, और आगे देखो, और हमने जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन देखा है वो क्या देखते हैं हम लोग, कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो 5D थे उनका रेडियस कम हो गया अभी तक, मतलब हमने ये जाना, पर यहाँ पे इनका जो इंटरप्रिटेशन जो हमने पहले सही कर दिया, यहाँ पे जो इनका इंटरप्रिटेशन है वो क्या है, कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन तो लेंथेनम के अंदर भी हो रही है, वो लिखी है, वो हमें देखनी पड़ेगी। ठीक है, ओवरऑल डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस एनिक रेडियस फ्रॉम लेंथेनम टू ल्यूटेटियम इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन यूनिक फीचर होता है इनका, तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इनके अंदर हो रही है और इसका असर किन पे पड़ रहा है, 5D सीरीज वालों को, उनका साइज कम हो गया था और 4D के बराबर ही पहुंच गया था, राइट। उसके बाद जो डिक्रीज होता है एटॉमिक रेडियाई में वो ज्यादा रेगुलर नहीं है, पर जो M+3 आयन है उनके अंदर जो डिक्रीज होगा वो रेगुलर अच्छा खासा, मेरा रेगुलर नहीं बना, अब देखो अब सही बनेगा, अच्छा खासा रेगुलर होता है। फिर यहाँ पे इसका क्या दे रखा आपको, रीजन दे रखा, दैट्स इट, बस चार पॉइंट हो गया ना, चलो क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो आगे डिस्कशन कर रहे हैं अपने को क्या दे रखा है, एक सेकेंड,
आगे क्या रखा है, द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ लेंथेनॉइड सीरीज इज नोन एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन। वो पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया ऊपर वाला कि इनके हिसाब से लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन लेंथेनॉइड्स के अंदर होगी और उसका फर्क किसमें पड़ेगा, उस लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन की वजह से साइज कम होगा किसका, 5D सीरीज का। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन इनके अंदर होगी, इसको हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन बोलते हैं। और यह करती है कॉज द रेडियाई ऑफ द मेंबर्स ऑफ द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज टू बी वेरी सिमिलर टू दोस ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मेंबर ऑफ द सेकंड सीरीज। यानी कि सिंपली कुछ ही नहीं हमने पढ़ रखा है, पढ़ा पढ़ाया टॉपिक है कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन की वजह से जो है 5D का रेडियस 4D वालों के रेडियस के लगभग क्या हो गया था, बराबर होता है। 3D से बड़ा तो 4D का था, पर फिर 4D से 5D का बढ़ नहीं पाया जाता क्योंकि 5D का बढ़ के कम हो गया से मान लो, और वो बराबर ही हो गया। तो ये चीज क्लियर होगी, तो यहाँ पे इन्होंने ये बात यहाँ पे क्लियर कर दी है। उसके बाद क्या लिखा है, द ऑलमोस्ट इंटीग्रेटेड जिर्कोनियम और हाफनियम, वही रिपीटेड पोर्शन बिल्कुल एग्जैक्टली कि टी जरा हाफ रखो, है ना, रखो मतलब रदरफोर्डियम, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या होता, टी से जिर्कोनियम मतलब टाइटेनियम से जिर्कोनियम का बढ़ गया और फिर जिर्कोनियम से हाफनियम का इवन थोड़ा सा हमें कम ही मिल रहा है, हालांकि वो हमें ग्राफ में नहीं दिखा रही है बेशक, पर लेकिन ये कह रहे हैं तो डेटा ध्यान रखेंगे। और इवन इसका कम हो गया, रीजन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, बस ठीक है, अ कंसीक्वेंस ऑफ द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, वही लिखा हुआ है, अकाउंट फॉर देयर अकरेंस टुगेदर इन द नेचर एंड डिफिकल्टी फेसिंग सेम। अब ये लाइन क्या लिखी हुई यहाँ पे कि ये जो कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जैसे क्या होता है कि जो ये जो 3D वाले है ना, सॉरी 4D और 5D वाले हैं, ये नेचर में एक साथ मिलेंगे। मान लो आपने जमीन मिट्टी खोदी, आपने कोई वो बनाई माइन, माइन में से आपने क्या निकाले, ओर निकाले, मिनरल्स निकाले, मिनरल्स में आपने ओर चूज करे और ओर्स में से आप मेटल को निकालना चाहते हो, तो इन 3D और सॉरी सॉरी 4D और 5D वालों को सेपरेट करने में ना काफी दिक्कत आएगी क्योंकि इनका रेडियस काफी ज्यादा सिमिलर हो जाता है और रेडियस सिमिलर होगा तो जो कंपाउंड बनेंगे ऐसे क्या, और कौन से टाइप के होते हैं, साइज सेम है तो जो ओर बनेंगे आपके ऑक्साइड और सल्फाइड और कार्बोनेट और सारे के सारे, ये कैसे ओर हो जाएंगे आपके, सेम से ये नेचर के बनेंगे तो सेपरेट करने में दिक्कत आएगी। तो एक ये कॉन्सिक्वेंस भी, सेपरेट वाला पॉइंट भी ध्यान बिल्कुल रखना ही रखना है आपको। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर।